तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट, और मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये है कि हम अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को घर में बैठे बैठे फ्री का लिंक कैसे कर सकते हैं। आपको इस प्रोसेस के लिए किसी भी प्रज्ञा केंद्र या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाके उन्हें पे करके लिंक कराने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के साथ एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप बहुत सिंपली स्टेप्स में इसे लिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम दो क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लास्ट डेट क्या हुआ है एक्सटेंड हुआ है जो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि क्या हम पैन कार्ड और आधार कार्ड को घर में बैठे बैठे लिंक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, लास्ट डेट एक्सटेंडेड टू लिंक आधार एंड पैन कार्ड इज नाउ June 30, 2021। हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2021 से ये जो लास्ट डेट था पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का, वो हो गया है June 30, 2021 ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस इन कोरोना वायरस। सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते तो June 30, 2021 के बाद आपको 1000 रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा। तो बेस्ट यही होगा कि आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर लें। तो लिंक करने के लिए आपको कुछ बहुत छोटे छोटे चीज की जरूरत होगी, जैसे बेसिक चीज आपको जो जरूरत होगा, अपना आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विद अ स्मार्ट डिवाइस लाइक लैपटॉप और मोबाइल फोन। इसके सिवा आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने गूगल क्रोम मोबाइल या लैपटॉप में खोल लें। उसके बाद सीधा आप टाइप करें लिंक पैन विथ आधार और सर्च मार दें, यानी एंटर दबा दें। उसके बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आपको दिखता है www.incometaxindiaefiling.government.in, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम ये वेबसाइट खुल चुका है। फिर से मैं वेबसाइट का नाम पढ़ देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। इनकम टैक्स है www.incometaxindiaefiling.government.in। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको सीधा यहाँ पे ले आता है पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का। जैसे कि मैंने दो रिक्वायरमेंट आपको बोला, आपको जिसका भी आप पैन और आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं उसका पैन कार्ड और आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। तो चलिए मैं एंटर करके देखता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने अपना पैन नंबर एंटर कर लिया है और उसके बाद आधार नंबर एंटर करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर कर लिया है। इसके बाद नेम एस पर आधार एंटर करना है। तो चलिए मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूं, सादिक अख्तर। और उसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। आपने देखा होगा कि पुराने जो आधार कार्ड हमें मिले थे उसमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ था, जैसे 2000, 1978, 1999 और मंथ, और उसमें डेट नहीं दिया होता। यानी जैसे कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000, तो उसमें पुराने वाले आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ यानी 2000 दिया हुआ था। तो अगर आपके भी केस में ऐसा है, यानी सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है, मंथ और डेट नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करें। लेकिन अगर आपका पूरा फुल डेट मंथ और ईयर के साथ है तो आप इस पर क्लिक ना करें। उसके बाद जो आपका सेकेंड ऑप्शन आता है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UITAI, तो आपको इसके ऊपर एग्रीमेंट अपना दे देना है, क्लिक कर लें। और उसके बाद नीचे में कैप्चा आता है, बहुत सही से आप इस कैप्चा को भरें, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर, 9QR और T। फ्रेंड्स, इसका करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लिंक आधार पे आप क्लिक कर देना। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक डमी पैन नंबर और डमी आधार नंबर डाला है फ्रेंड्स, इसलिए ये अभी तो लिंक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें लिंक आधार करेंगे, आपका क्या होगा, यहाँ पे दिखाने लगेगा योर पैन नंबर एंड आधार नंबर हैज बीन रजिस्टर्ड टू बी लिंक्ड, यानी ये रजिस्टर हो गया है लिंक होने के लिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये कितने दिनों में लिंक होता है। अगर आप किसी इसका गवर्नमेंट की वेबसाइट में अगर सर्च मारते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो वो बताते हैं 2 से 3 दिन मैक्सिमम लेते हैं। लेकिन मेरे केस में जब मैंने इसे 2 दिन पहले लिंक किया तो सिर्फ ये 2 मिनट लिया और लिंक हो गया। एक बार आप अपना देखिए, सबसे पहले पैन कार्ड भरिए, आधार नंबर भरिए, नेम एस पर आधार यानी आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम यहाँ पे भरिए। उसके बाद अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर एग्रीमेंट देने के लिए इस पर क्लिक कीजिए और नीचे कैप्चा जिस
जिस प्रकार यहाँ पे लिखा उसी में भरिए और यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक कर दीजिए। इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो भाई साहब आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अब आपको देखना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है कि नहीं, यानी मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं, आपको कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड जैसे ही आप इस वेबसाइट में आए थे, आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिक हेयर चमक रहा है, ये लिंक बोल रहा है कि क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। अगर आपने पहले से पैन और आधार नंबर को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया है तो यहाँ पे आप अपनी स्टेटस को चेक कर लेते हो। चलिए हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। एक बार आप क्लिक हेयर को क्लिक किए तो आप देख सकते हैं आप दूसरे पेज पे पहुंच गए जहां पे आपको लिंक आधार स्टेटस के बारे में बताएगा। तो आप यहां पे अपना पैन कार्ड डाल लें और यहां पे आधार नंबर डाल लें। प्रिंट इसके बाद आप व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर --2863, यानी मेरा पैन और आधार नंबर लिंक हुआ हुआ है। अगर आपका लिंक हुआ हुआ है तो ये आपको कंफर्मेशन स्टेटस ये टिक के साथ दे देगा। अगर नहीं हुआ है, अगर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे रेड कलर के मैसेज में वो आपको दिखा देगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं बात एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो टाइम है वो अभी 2 से 3 मिनट लग रहा है आपका लिंक होने में। कोई भी ज्यादा टाइम 2 दिन या 3 दिन नहीं ले रहा है, 2 से 3 मिनट में आप इजिली घर में बैठे बैठे अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को बहुत इजी स्टेप्स में लिंक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो आप फिर से वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप्स में और आपके मातृभाषा हिंदी में आपको समझाया। सो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।